हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ड्राइविंग सीरीज का चौथा वीडियो है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि लोड गियर और हाई गियर कैसे लगाते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि एक बार क्लच को दबा के पूरा हाई गियर लगा देते हैं, या फिर एक बार क्लच को दबा के पूरा लो गियर लगा देते हैं। तो एक्चुअली ये गियर लगाने का तरीका नहीं होता है। अगर आप इस तरीके से गियर लगाते हो तो आपका गियर में साउंड आता है और कहीं ना कहीं क्षति पहुँचता है। तो चलिए आज आपको जेन्युइन गियर लगाने का तरीका मैं साइड में बैठ के आपको एंगेज्ड सॉरी लगा के गियर दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ बैठ जाता हूँ तो मेरा सीट्स फिक्स हो गया है, आगे पीछे नहीं होता है, ज़्यादा पीछे नहीं हो रहा है तो आपको अच्छे से दिखेगा नहीं। तो चलिए मैं आपको यहीं से करके दिखाऊंगा। ये इसका हाई गियर का कंडीशन में है, अभी जो है ये हाई गियर में है। आपको न्यूट्रल करना है तो इसको दबाना है पूरा इसे, और इसको ये अभी न्यूट्रल में है। अगर आप अभी इसको गियर लगा के आगे बढ़ाना भी चाहें तो गाड़ी आगे या फिर पीछे नहीं होता है। ये इसका न्यूट्रल कंडीशन में है। अगर आपको इसको लो गियर में लगाना है तो आपको इसको पूरा प्रेस करना है इस तरीके से, देन आपको इसको नीचे करना है ऐसे। तो ये लो गियर लग गया। अब आपको यहीं पे लोग मिस्टेक करते हैं, अगर आपको हाई गियर लगाना है तो फुल प्रेस करना है, फिर आपको न्यूट्रल करना है, फिर क्लच छोड़ना है, फिर फुल दबाना है, फिर हाई गियर लगाना है। अगर आपको फिर लो गियर लगाना हो फिर क्लच दबाइए, न्यूट्रल करिए, फिर पूरा क्लच, फिर लो। इस तरीके से अगर आप गियर लगाते हैं तो इसका जेन्युइन तरीका होता है गियर लगाने का। लेकिन ऐसे नहीं करते लोग, क्या करते हैं अगर आपका लो गियर में है, हाई लगाना है, एक बार क्लच दबाए और ऐसे खींचते हैं। लेकिन ऐसे में आपको साउंड आ जाता है, क्योंकि अभी तो बंद है तो साउंड नहीं आएगा, लेकिन जब आप चलाते हो तो यहाँ पर साउंड आता है और आपके जो गियर वाला सिस्टम होता है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और यहाँ पर ऑयल का लीकेज भी स्टार्ट हो जाता है, जो काफ़ी बुरी बात है। इस तरीके से आपको गियर शिफ्ट नहीं करनी चाहिए। मैंने जो बताया वो इसका जेन्युइन तरीका है, आप इस तरीके से गियर शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। शुक्रिया।